हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शमा अगवान। आज का हमारा टॉपिक है फीमोरल ट्रायंगल। फीमोरल ट्रायंगल को हम फॉलोइंग सब हेडिंग्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इंट्रोडक्शन, सेकंड बाउंड्रीज, थर्ड कंटेंट्स एंड फोर्थ इज अप्लाइड एनाटॉमी। नाउ वी सी द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस हेडिंग्स। फर्स्ट पॉइंट इज इट्स इंट्रोडक्शन। इट इज़ अ ट्राइंगुलर डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर वन थर्ड ऑफ द थाई इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट। ये ट्राइंगुलर डिप्रेशन होता है जो कि अपर वन थर्ड ऑफ द थाई के फ्रंट में सिचुएटेड होता है एंड ये इंग्वाइनल लिगामेंट के बिलो सिचुएटेड होता है। सेकेंड पॉइंट इज इट्स बाउंड्रीज। फर्स्ट इज लेटरल बाउंड्री। इसकी लेटरल बाउंड्री मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस से बनती है। सेकेंड इज मीडियल बाउंड्री। इसकी मीडियल बाउंड्री मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस मसल से बनती है। थर्ड इज बेस। इट इज़ फॉर्म्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका बेस इंग्वाइनल लिगामेंट से बना होता है। एपेक्स। इट इज़ डायरेक्टेड डाउनवर्ड्स एंड फॉर्म्ड बाय द पॉइंट वेयर द मीडियल एंड लेटरल बाउंड्रीज मीट। एपेक्स का डायरेक्शन डाउनवर्ड होता है एंड ये मीडियल एंड लेटरल बाउंड्री के मिलने से बनता है। फिफ्थ पॉइंट इज रूफ। इट इज़ फॉर्म्ड बाय। इसका रूफ फॉलोइंग स्ट्रक्चर से बना होता है। फर्स्ट स्किन, सेकेंड सुपरफिशियल फेशिया विच कंटेन्स। इसके सुपरफिशियल फेशिया में फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व एंड ब्रांचेस ऑफ इलियो इंग्वाइनल नर्व। सिक्स्थ पॉइंट इज द फ्लोर। इट इज़ फॉर्म्ड बाय। इसका फ्लोर फॉलोइंग स्ट्रक्चर से बना होता है। मीडियली बाय एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस। इसका फ्लोर मीडियली एडक्टर लॉन्गस मसल एंड पेक्टिनियस मसल से बना होता है एंड लेटरली बाय इलियसस एंड सोआस मेजर। इसका फ्लोर लेटरली इलियसस एंड सोआस मेजर से बना होता है। दिस इज़ द डायग्राम ऑफ बाउंड्रीज एंड फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। लेट्स सी, दिस इज़ द फीमोरल ट्राइंगल। ये फीमोरल ट्राइंगल है। दिस इज़ एडक्टर लॉन्गस मसल। ये एडक्टर लॉन्गस मसल की लेटरल बॉर्डर है और ये एडक्टर लॉन्गस मसल की मीडियल बॉर्डर है। दिस इज सर्टोरियस मसल। ये सर्टोरियस मसल की लेटरल बॉर्डर है एंड ये सर्टोरियस मसल की मीडियल बॉर्डर है। नाउ वी सी द बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। दिस इज द फीमोरल ट्राइंगल। फीमोरल ट्राइंगल की मीडियल बाउंड्री एडक्टर लॉन्गस मसल की मीडियल बॉर्डर से बनती है। दिस इज द मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस। फीमोरल ट्राइंगल की लेटरल बाउंड्री सर्टोरियस मसल की मीडियल बॉर्डर से बनती है। इसका एपेक्स मीडियल एंड लेटरल बाउंड्री के मीटिंग पॉइंट से बनता है एंड इसका बेस, दिस इज़ द बेस विच इज़ फॉर्म्ड बाय इंग्वाइनल लिगामेंट। इसका बेस इंग्वाइनल लिगामेंट से बनता है। सो दिस आर द बाउंड्रीज ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। नाउ वी सी द फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। इसका फ्लोर मीडियली एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस मसल से बनता है एंड लेटरली टेंडन ऑफ सोआस मेजर एंड इलियसस मसल से बनता है। सो दिस आर द बाउंड्रीज एंड फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। नाउ वी रिवाइज इट अगेन। इसकी मीडियल बाउंड्री मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल से बनती है। इसकी लेटरल बाउंड्री मीडियल बॉर्डर ऑफ सर्टोरियस से बनती है। इसका एपेक्स मीडियल एंड लेटरल बॉर्डर के मीटिंग पॉइंट से बनता है एंड इसका बेस इंग्वाइनल लिगामेंट से बनता है एंड इसके फ्लोर में एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, इलियसस एंड सोआस मेजर मसल प्रेजेंट होती हैं। दिस इज़ द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। दिस इज मीडियल एस्पेक्ट ऑफ थाई एंड दिस इज़ द लेटरल एस्पेक्ट ऑफ थाई। दिस आर द रूफ ऑफ फीमोरल ट्राइंगल एंड दिस इज़ द फ्लोर ऑफ फीमोरल ट्राइंगल एंड दिस इज़ द फीमोरल ट्राइंगल एंड दिस आर द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल। नाउ वी डिस्क्राइब द रूफ। इसका रूफ सबसे बाहर स्किन, दिस इज़ द स्किन, देन सुपरफिशियल फेशिया एंड सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है डीप फेशिया विच इज़ ऑल्सो नोन एज क्रिब्रिफॉर्म फेशिया। तो इसका रूफ, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया एंड डीप फेशिया और क्रिब्रिफॉर्म फेशिया से बना होता है। इसका फ्लोर मीडियल एस्पेक्ट पर एडक्टर लॉन्गस एंड पेक्टिनियस एंड लेटरल एस्पेक्ट पर टेंडन ऑफ सोआस मेजर एंड इलियसस मसल से बना होता है एंड इसके कंटेंट्स में सबसे मीडियल साइड में डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स, फीमोरल वेन, फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व प्रेजेंट होती है एंड दिस इज़ द फीमोरल शीथ जो कि इन मेजर वेसल्स को कवर करती है। सो दिस आर द रूफ,
floor and contents of femoral triangle. Third point is the contents of femoral triangle. Femoral triangle में following contents present होते हैं. First is femoral artery and its branches. Femoral artery enters the triangle from its base to the apex. Femoral artery triangle में इसके base से लेकर apex तक enter करती है. It gives 6 branches in the triangle. ये triangle में 6 branches देती है. 3 superficial branches and 3 deep branches. उन 6 ब्रांचेस में से 3 ब्रांचेस सुपरफिशियल होती है एंड 3 डीप ब्रांचेस होती है. सुपरफिशियल ब्रांचेस फीमोरल आर्टरी की सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं सुपरफिशियल एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी, सुपरफिशियल इपिगैस्ट्रिक आर्टरी, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलियक आर्टरी. डीप ब्रांचेस हैं प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी, डीप एक्सटर्नल प्यूडेंडल आर्टरी एंड मस्कुलर ब्रांचेस. सेकेंड कंटेंट is femoral vein and its tributaries. It accompanies the femoral artery. ये femoral artery के साथ चलती है. It receives the femoral vein में following veins drain करती है. First, great saphenous vein. Second, circumflex veins. Third, veins corresponding to the branches of the femoral artery. Next is relation of femoral artery and vein. Femoral artery and femoral vein में following relations होते हैं. The vein is medial to the artery at the base of the triangle. Triangle के base पर vein artery के medial side में present होती है. The vein is posterolateral to the artery at the apex of the triangle. Vein apex of the triangle पे artery के posterolaterally situated होती है. These are the relation of femoral artery and vein. Third content is femoral sheath. It encloses upper 4 cm of the femoral vessels. Femoral sheath फीमोरल वेसल्स को अपर 4 सेंटीमीटर को कवर करती है. फोर्थ कंटेंट इज नर्व्स. द नर्व्स इन द ट्राइंगल आर फीमोरल ट्राइंगल में फॉलोइंग नर्व्स प्रेजेंट होती है. फर्स्ट फीमोरल नर्व, सेकेंड नर्व टू द पेक्टिनियस, थर्ड फीमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटो फीमोरल नर्व एंड फोर्थ इज लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द थाई. एंड द फिफ्थ कंटेंट इज डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. दे ऑल्सो लाई डीप टू डीप फेशिया. ये डीप फेशिया के डीप में सिचुएटेड होते हैं. दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कंटेंट्स ऑफ राइट फीमोरल ट्राइंगल. दिस इज़ द फीमोरल ट्राइंगल. दिस इज़ द लेटरल बाउंड्री. दिस इज़ द मीडियल बाउंड्री. दिस इज़ द एपेक्स एंड दिस इज़ द बेस ऑफ फीमोरल ट्राइंगल. नाउ वी सी द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल. इसके कंटेंट में फर्स्ट इज़ फीमोरल आर्टरी. दिस इज़ द फीमोरल आर्टरी. ये इसके बेस से एंटर करती है एंड एपेक्स तक जाती है. एंड फीमोरल ट्राइंगल में ये 6 ब्रांचेस देती है. उसमें से 3 ब्रांचेस सुपरफिशियल होती है एंड 3 ब्रांचेस डीप होती है. दिस इज़ द फीमोरल वेन. फीमोरल वेन फीमोरल आर्टरी के मीडियल साइड में सिचुएटेड होती है. एट द बेस, बेस पर ये मीडियल साइड में होती है बट एपेक्स पर ये पोस्टीरो मीडियल चली जाती है. नेक्स्ट इज डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स फीमोरल वेन के मीडियली सिचुएटेड होते हैं. दिस आर द कंटेंट्स. एंड फीमोरल नर्व, फीमोरल नर्व फीमोरल आर्टरी के लेटरल साइड में प्रेजेंट होती है. फीमोरल शीथ इज ऑल्सो द कंटेंट ऑफ फीमोरल ट्राइंगल. फीमोरल शीथ फीमोरल आर्टरी एंड फीमोरल वेन के अपर 4 सेंटीमीटर पार्ट को कवर करती है. एंड फीमोरल आर्टरी फीमोरल वेन एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स फीमोरल शीथ में कवर होते हैं. फीमोरल नर्व फीमोरल शीथ के बाहर सिचुएटेड होती है. सो दिस आर द कंटेंट्स ऑफ फीमोरल ट्राइंगल विच कंटेंट फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, फीमोरल नर्व एंड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स. लास्ट पॉइंट इज द अप्लाइड एनाटॉमी ऑफ फीमोरल ट्राइंगल. फीमोरल आर्टरी कैन बी कंप्रेस्ड एट द मिड इंग्वाइनल पॉइंट अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर और अगेंस्ट द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस टू कंट्रोल ब्लीडिंग फ्रॉम द डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्फ. अगर डिस्टल पार्ट ऑफ द लिम्फ से ब्लीडिंग हो रही हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए फीमोरल आर्टरी को कंप्रेस किया जा सकता है. एंड फीमोरल आर्टरी को मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर कंप्रेस करते हैं अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर और अगेंस्ट द सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस. इसको हेड ऑफ द फीमर के अगेंस्ट में या फिर सुपीरियर रेमस ऑफ द प्यूबिस के अगेंस्ट में कंप्रेस किया जा सकता है. सेकेंड, पल्सेशंस ऑफ द फीमोरल आर्टरी कैन बी फेल्ट एट मिड इंग्वाइनल पॉइंट अगेंस्ट द हेड ऑफ द फीमर. फीमोरल आर्टरी के पल्सेशंस को मिड इंग्वाइनल पॉइंट पर फील किया जा सकता है एंड उसके लिए आर्टरी को हेड ऑफ द फीमर के अगेंस्ट कंप्रेस करते हैं. थर्ड, स्टेप वोन्ड एट द एपेक्स ऑफ द फीमोरल ट्राइंगल मे कट द ऑल द लार्ज वेसल्स ऑफ द लोअर लिम
Because femoral artery, vein and profunda femoris artery and vein are arranged in one line at this side. अगर फीमोरल ट्राइंगल के एपेक्स के लेवल पर स्टेप वुंड हो जाए तो इसकी वजह से लोअर लिम की सारी लार्ज वेसल्स कट हो सकती है, क्योंकि एपेक्स पर फीमोरल आर्टरी, फीमोरल वेन, प्रोफंडा फीमोरिस आर्टरी एंड प्रोफंडा फीमोरिस वेन ये सारी वन लाइन में अरेंज होती है. फीमोरल आर्टरी इज सुपरफिशियल इन फीमोरल ट्राइंगल, सो इट कैन बी इजीली लाइगेटेड हियर और कैन्यूला कैन बी पास. फीमोरल आर्टरी फीमोरल ट्राइंगल में सुपरफिशियली सिचुएटेड होती है, सो इसको आसानी से लाइगेट किया जा सकता है या फिर इसमें कैन्यूला इजीली पास किया जा सकता है. So these all were the details of femoral triangle. Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please do subscribe my channel and press the bell icon.